नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल तवंदे भारत। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते ही भक्तों का भारी सैलाब दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। इससे पहले केदारनाथ धाम में आस्था का ऐसा सैलाब पहले कभी देखा नहीं गया। बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए इतनी भीड़ है कि धाम में करीब 3 किलोमीटर दूर तक भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। भक्त कई कई घंटों के इंतजार के बाद भी दर्शन नहीं कर पा रहे। लंबी लाइनों के अलावा यात्रा पड़ावों में भी जगह जगह तीर्थयात्रियों पर भीड़ है। केदारनाथ मंदिर परिसर से लेकर हेलीपैड से भी आगे तक लोगों की लाइन है। केदारनाथ आपदा के बाद से धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। साल 2019 की यात्रा में 10 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। इसके बाद 2 साल तक कोरोना महामारी ने यात्रा को बाधित कर दिया था, लेकिन इस बार जब फिर से बाबा के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खुले हैं तो बताया जा रहा है कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और ऐसा देखने को मिल रहा है। 3 दिनों में केदारनाथ यात्रा ने लगभग 2 लाख तक का आंकड़ा पार कर लिया है। रविवार 8 मई को सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे यही प्रतीत होता है कि भक्तों की बाबा के प्रति अटूट आस्था है। केदारनाथ यात्रा के शुरू में ही प्रशासन की तैयारियों की पोल भी खुल गई है। 3 दिनों से केदारनाथ यात्रा के फटा, मैखंडा व शेरसी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई न होने से होटल कारोबारियों के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। बिजली न होने के चलते तीर्थयात्री भी कमरा लेने से कतरा रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।